हेलो फ्रेंड, ऑफिस से नोटिफिकेशन आपके लिए। आज का नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संस्थान तो केवीएस का जो नोटिफिकेशन वो क्या क्या है और कितना वैकेंसी है, कौन सा कैटेगरी में आपको क्या क्या चाहिए, सारी और यहाँ पे लास्ट डेट और एलिजिबल क्राइटेरिया सारी यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना होगा सारे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट kvs संस्थान.nic.in, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेंगे, वहाँ पे क्लिक करके उस पेज में आ सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन सारी यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह सारी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप एलिजिबल है तो आपको सारे पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी है और यहाँ पे सारे डिटेल्स भी है और कितना वैकेंसी सारे, तो इसको भी हम डाउनलोड प्रिंट हम लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन पर। KVS Recruitment 2022 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय विद्यालय संस्थान KVS। और यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ पे प्राइमरी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, लाइब्रेरियन, पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी म्यूजिक असिस्टेंट, कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट सेक्शन सेक्शन ऑफिसर, एएसओ हिंदी, ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड टू, फाइनेंस ऑफिसर सीनियर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट यूडीसी और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एलडीसी, और यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे 13,404 यहाँ पे। क्वालिफिकेशन एनी डिग्री बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट बी बीटेक एंड डिप्लोमा। जॉब लोकेशन यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 5 दिसंबर 2022, लास्ट डेट यहाँ पे 26 दिसंबर 2022। केवीएस का जो वैकेंसीज है वो जो प्राइमरी टीचर के लिए आपको 6,414, असिस्टेंट कमीशन के लिए कमिश्नर के लिए आपको 52, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 239, वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 मतलब 203 यहाँ पे पोस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको 1409 यहाँ पे, लाइब्रेरियन ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको 3176 और लाइब्रेरियन के यहाँ पे 355, पीआरटी म्यूजिक यहाँ पे 303, फाइनेंस ऑफिसर यहाँ पे 6, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल आपको 2, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ आपको 156, हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ पे 11, और यहाँ पे सिलेक्शन सेक्रेटरियल असिस्टेंट यूडीसी के लिए आपको 322 और एलडीसी के लिए आपको 702 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यहाँ पे 54। टोटल पोस्ट यहाँ पे 13,404 पोस्ट यहाँ पे। केवीएस रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12 क्लास बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। रेफर टू ऑफिशियल पीडीएफ एडवर्टाइजमेंट फॉर मोर डिटेल्स, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। केवीएस रिक्रूटमेंट एज लिमिट यहाँ पे आपको वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन ओसी आपको इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स बाय 5 ईयर फॉर एसटी एससी एंड ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर। या फिर केवीएस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट सैलरी वो आपको पे स्केल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ओनली। और रिफर टू ऑफिशियल वेबसाइट और या फिर www.kvsangathan.nic.in, आपको इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद सारी यहाँ पे देख सकते हैं। केवीएस सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्यूटर रिटेन टेस्ट यहाँ पे आपको देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू और यहाँ पे और भी डिटेल्स है तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए। और जो नोटिफिकेशन भी आपको देखना होगा हाउ टू अप्लाई केवीएस फॉर केवीएस रिक्रूटमेंट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा और उसके बाद आपको सारे लिंक है उसमें क्लिक करके आपको सारे सबमिट करके डॉक्यूमेंट्स और सारे जो स्टेप बाय स्टेप उसी को आपको फॉलो करके आपको सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद आपको और सारे डिटेल्स कंप्लीट होगी और आपको जो लास्ट में आपको प्रिंट आउट निकालना होगा वो फर्दर रेफरेंस के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो नेक्स्ट वीडियो अपडेट वीडियो कैसे फॉर्म फिलअप करना है सारी वो भी आपको मिल जाएंगे और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।